वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशानुसार हर साल 29 मई 29th मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। हम सब कभी ना कभी डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन रिलेटेड डिजीज़ से सफ़र करते हैं, पर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो चलिए आज 29th मई वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के अवसर पर कुछ जानें। The digestive system, also known as the alimentary tract, extends from the mouth up to the anus and includes the oral cavity, esophagus, that is the food pipe, stomach, small intestine, large intestine, colon, rectum and anus. Iske saath associated hai hepatobiliary pancreatic system, matlab liver, biliary tract, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं जैसे हाइपर एसिडिटी, खट्टे डकार आना, रीगर्जिटेशन, गैस, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, सिवियर एब्डोमिनल पेन, पेट फूल जाना, उल्टियां आना, ये सारे सिम्टम्स हैं डाइजेशन के, जो हम सब किसी न किसी समय पर कम अधिक मात्रा में भुगत चुके हैं। इसके अंडरलाइंग जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बार माइल्ड पर कभी कभी सिवियर भी हो सकती है, इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए डाइजेस्टिव डिजीज़ के बारे में और इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस साल का मतलब 2021 का वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का फोकस है ओबेसिटी यानि मोटापे पर। ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडेमिक, दैट इज़ द थीम फॉर दिस ईयर्स डाइजेस्टिव हेल्थ डे। जैसे हमने देखा है कि दुनिया भर मोटापा एक बीमारी हो के रह चुकी है, और कोई भी बीमारी अगर पूरे ग्लोब में पूरी दुनिया में हो जाए तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। वी द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हम सर के सबके हाइट और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, तो मोटापा किसे कहें? देर इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला नोन एज द बॉडी मास इंडेक्स। वो हमें दिखाता है कि किसको मोटापा है और किसको नहीं। तो इट इज़ अ फॉर्म्यूला विच सिग्निफाइज वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स। आइदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या रेडीमेड चार्ट्स देखते हुए बीएमआई को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके साथ कुछ बॉडी कॉम्पोजिशन स्टडीज़ भी किए जाते हैं कि किसमें फैट परसेंटेज कितना है, वाटर कितना है, प्रोटीन कंटेंट या मसल मास कितना है। नॉर्मल BMI इज बिटवीन 24 to 30। 24 के नीचे अंडरवेट तथा 30 के ऊपर मोटापा कहलाता है। ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी सीरियस इलनेसेस। वो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और इसके कारण हार्ट डिजीज तथा कैंसर जैसी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि टाइप 2 डायबिटिस, दैट इज एडल्ट डायबिटिस मेलिटस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, डिमेंशिया, ओवेरियन डिसऑर्डर्स, फैटी लिवर डिजीज़ एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी सारी बीमारियां जो मोटापे के साथ एसोसिएटेड हैं, उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। आजकल के मॉडर्न वेस्टर्न लाइफस्टाइल में हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी ओबेसिटी यानी मोटापे का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नो सोशल इंटरेक्शन, प्लेग्राउंड्स पे खेलने नहीं जाना, ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल देखना, एक्सरसाइज ना करना और अनहेल्दी खाना। इन सब के कारण चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। आगे चल के ये बच्चे ओबीज एडल्ट्स बनेंगे और उनके साथ होंगी सारी बीमारियां जो एडल्ट ओबीज में पाई जाती हैं। तो हम मोटापे से कैसे बच सकते हैं? परिपूर्ण आहार और एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज के ज़रिए, स्पोर्ट्स, इंडोर एक्सरसाइजेस जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, और वेल बैलेंस्ड घर का खाना विच कंटेन्स एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स इन एडिशन टू द प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप हमेशा हेल्दी खाएं और अच्छे से एक्सरसाइज करें तो आप मोटापे से बच सकते। कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और ऐसी लाइफस्टाइल्स होती है आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में कि जहां हर रोज़ एक्सरसाइज पॉसिबल ना हो, और ओबेसिटी जैसे हम देख ही रहे हैं कि एक पैंडेमिक बन चुका है, तो इसे ट्रीट कैसे करें? बेसिक है
अपनी लाइफस्टाइल में बहुत फिनोमिनल चेंजेस लाएं, रेडिकल चेंजेस लाएं, कहीं ना कहीं अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के एक्सरसाइज करें। ऐसे भी हम नहीं कर पाए तो कुछ फार्माकोथेरेपी मतलब ड्रग्स होते हैं, पर दोज आर नॉट टू बी रिकमेंडेड क्योंकि उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जो पेशेंट्स सब कुछ करने के बाद वजन घटा नहीं सकते उनके लिए है सर्जिकल ऑप्शन, दैट इज़ बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ अ मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, दैट इज़ इट इज़ अ टाइप ऑफ लैपरोस्कोपिक सर्जरी। इसमें अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और फ़ायदे बहुत हैं। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी। इट कॉजेज इफेक्टिव एंड क्विक वेट लॉस, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, थायरॉयड डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड बोन पेन। इट इम्प्रूव्स हॉर्मोनल बैलेंस एंड फर्टिलिटी। ऑफकोर्स जब वजन घट जाता है तो कई कॉस्मेटिक और साइकोलॉजिकल और सोशल एडवांटेजेस भी साथ में होते हैं। ऑफकोर्स बेरियाट्रिक सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट, पर अगर करना है तो उसके लिए कुछ केयरफुल क्राइटीरिया होते हैं, स्ट्रिक्ट क्राइटीरिया होते हैं, जो अगर फॉलो किए जाएं तो डेफिनेटली मैक्सिमम बेनिफिट पेशेंट को मिलेंगे। इट इंक्लूड्स केयरफुल पेशेंट सिलेक्शन, कौन सी पेशेंट को फ़ायदा होगा ये डॉक्टर की सलाह से डिसाइड किया जाता है। कौन सी प्रोसीजर करने में ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा एडवांटेज है पेशेंट को, ये भी आफ्टर केयरफुल कंसल्टेशन एंड एवेल्यूएशन डिसाइड किया जाता है। अगर एक्सरसाइज और डाइट स्ट्रिक्ट फॉलो करने के बाद भी वजन नहीं कम हो रहा हो तो बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड किया जाता है। पेशेंट को उतना ही मोटिवेशन चाहिए कि सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, सर्जरी के बाद रेगुलर फॉलोअप के लिए आए, सर्जरी के बाद जब वज़न कम हो जाएगा तभी एक्सरसाइज और डाइट रेजिमेंट फॉलो करें ताकि जो वेट लॉस हुआ है वो मेंटेन्ड रहे। कुछ विटामिन्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज ट्रेस एलिमेंट्स, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा मे बी रिक्वायर्ड, सो दोज ऑल्सो नीड टू बी टेकन प्रॉपरली। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू अ हेल्थी लाइफस्टाइल। बचपन में ही गुड हैबिट्स बच्चों में सिखाना ज़रूरी है, और ओबेसिटी इज सच अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर टू मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस, हेंस मोटापा नहीं चाहिए।